हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं श्याम मेटालिक एंड एनर्जी लिमिटेड। इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे हम लोग बातें करने वाले हैं। दोस्तों, इस कंपनी की अगर बातें करें तो इस कंपनी की ओर से एक बहुत ही शानदार खबर यहाँ पे हम लोगों को सामने आती हुई देखने को मिल जा रही है, जिसका असर आज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके शेयर होल्डर्स को यहाँ पे लॉटरी के रूप में यहाँ पे मिला है, जो कि आप देख सकते हैं कि 8% से भी ज़्यादा की रैली आपको इस कंपनी में यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जो कि उसी न्यूज़ के कारण यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया हुआ है कि ये कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आप धीरे धीरे इस कंपनी में माल उठाते हैं तो इन फ्यूचर में आपको ये करोड़पति बना सकती है। उस तरह के इसके परफॉर्मेंस हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। सो पहले न्यूज़ क्या है वो देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे आगे की बातें हम लोग करेंगे। दोस्तों, अभी यहाँ पे हम लोग सीधा न्यूज़ पे आ गए, जिसमें आप देख सकते हैं कि श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी ऑन मंडे अनाउंस 20% इंक्रीज इन टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी फॉर स्पॉन्ज आयरन प्रोडक्ट एज आउटलाइन इन द कैपेक्स प्लान फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये मंडे की न्यूज़ है, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर हो गया, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो कैपेसिटी है, ठीक है, उसको यहाँ पे 20% यहाँ पे बढ़ाने से रिलेटेड हम लोगों को देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। मतलब एक्सपांशन की यहाँ पे बातें चल रही है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट के एक्सपांशन से रिलेटेड बातें चल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो न्यूज़ है, ठीक है, मंडे को तो ये न्यूज़ आई थी, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज आपने यहाँ पे देखा कि इनके शेयर में 8% की रैली यहाँ पे देखने को मिली है। सेम कुछ इसी टाइप की न्यूज़ कुछ टाइम पहले भी इस कंपनी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली थी। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक्सपांशन से रिलेटेड यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रहा था, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जा करके उस वीडियो को भी वहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये यह है दोस्तों कि इस कंपनी की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो इनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो देखें तो काफ़ी यहाँ पे पैनिक सिचुएशन में थे, वो लोग काफ़ी माइनस में यहाँ पे चल रहे थे। तो जिस तरह से अभी इसका परफॉर्मेंस यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं कि लास्ट 5 दिन में 11% से भी ज़्यादा की रैली देखने को मिल रही है। 1 महीने में भी बात करें तो हरे निशान में ही देखने को मिल रही है, लेकिन 6 महीने की अगर बातें करें तो यहाँ पर लाल निशान में है। एंड थोड़ा सा और अधिक अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ओवरऑल यहाँ पे ये कंपनी अभी भी यहाँ पे हम लोग देखें तो देखिए अब 28-30% यहाँ पे हाई से ये हम लोगों को लो पे ही देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं कहना ये चाहूँगा, देखिए ये जो न्यूज़ एक्सपांशन से रिलेटेड देखने को मिल रही है, ये तो सामने फ्रंट वाली ये न्यूज़ हम लोगों को देखने को मिल रही है। बैक की न्यूज़ आप लोगों को यहाँ पे खुद समझना होगा कि यहाँ पे जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट की क्षमता को यहाँ पे क्यों बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि इनका जो प्रोडक्ट है वो डिमांड में है, इसी वजह से वो अपने कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे ये यह है कि कंपनी ग्रोइंग मोड में है, ठीक है, कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है। इसके बारे में हम कई बार चर्चा यहाँ पे कर चुके हैं, जिससे रिलेटेड डाटाज भी मैंने आप लोगों को दिखाए हुए हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कंपनी बहुत ही शानदार कंपनी है, उसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इस कंपनी में केवल एक ही चीज का प्रॉब्लम है, वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि अब देखिए मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे मैंने खोली है एंड कंपनी 25 जून से यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जा रही है, ठीक है। आप अगर इस कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो वो 75% से अधिक की देखने को मिल जाती है। इसका मतलब ये है कि जो जो प्रमोटर्स हैं उनको 3 साल के अंदर अपनी जो होल्डिंग है वो 75% या उससे कम का करना होगा, ठीक है। तो देखा जाए 25 जून से ये कंपनी देखने को मिल रही है, तो हम कह सकते हैं कि 2.5 साल के अंदर इस कंपनी में हम लोगों को एक OFS भी आते हुए देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो OFS के लिए भी आप लोग यहाँ पे तैयार रहें, तब तक ये कंपनी काफ़ी ऊपर जाते हुए तक भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एंड उसी के साथ साथ सबसे बड़ी बात यहाँ पर एक और है कि आप लोगों को इस कंपनी के क्वार्टर 3 के जो रिजल्ट आएंगे उस पर आप लोगों की नज़र रहे
रहनी चाहिए, पैनी नज़र बना के रखिएगा। अगर इस कंपनी के रिजल्ट यहाँ पे अच्छे आ गए तो इसमें एक बहुत बड़ी रैली यहाँ पे उम्मीद की जा रही है कि आपको देखने को मिल सकती है। एंड इस बार के जो इनके रिजल्ट है वो भी अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे की जा रही है। सो देखा जाए तो हर ओर से हम कह सकते हैं कि जिस तरह से उम्मीद यहाँ पे की जा रही है उस हिसाब से इनके शेयर होल्डर्स को लॉटरी लगना यहाँ पे तय लग रहा है, अगर जिस हिसाब से चीज़ें को यहाँ पे देखा जा रहा है। सो दोस्तों, इस कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थी, जो न्यूज़ थी, वो मैंने आपको बता दी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।